शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है, वो न बीवी रखता है न औलाद। और ये कि हम में से कोई कोई बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ता है, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलेंगे। और ये कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह लिया करते थे, तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई थी। और ये कि उनका भी यही एतिकाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जिंदा करेगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसको मजबूत चौकीदारों और अंगारों से भरा हुआ पाया। और ये कि पहले हम वहां बहुत से मकामात पर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और ये कि हमें मालूम नहीं कि इससे अहले जमीन के साथ बुराई मकसूद है या इनके परवरदिगार ने इनकी भलाई का इरादा फरमाया है। और ये कि हम में बाज नेक हैं और बाज दूसरी तरह के, हमारे कई तरह के मजहब हैं। और ये कि हमने समझ लिया है कि हम जमीन में खाक कहीं हों अल्लाह को हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको थका सकते हैं। और जब हमने हिदायत की किताब सुनी उस पर ईमान ले आए, सो जो शख्स अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है तो उसको न नुकसान का खौफ है न किसी तरह के जुल्म का। और ये कि हम में बाज फर्मा बरदार हैं और बाज नाफरमान हैं, तो जो फर्मा बरदार हुए वो सीधे रस्ते पर चले और जो नाफरमान हुए वो दोजख का ईंधन बने। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, ये भी इनसे कह दो कि अगर ये लोग सीधे रस्ते पर रहते तो हम इनके पीने को बहुत सा पानी देते ताकि इससे इनकी आजमाइश करें। और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसको सख्त अजाब में दाखिल करेगा। और ये कि मस्जिदें खास अल्लाह की हैं, तो अल्लाह के साथ किसी और की इबादत न करो। और जब अल्लाह के बंदे यानी ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उसकी इबादत को खड़े हुए तो काफिर उनके गिर्द हुजूम कर लेने को थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूं और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए न किसी नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखता हूं। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा। हां, अल्लाह की तरफ से अहकाम का और उसके पैगामों का पहुंचा देना ही मेरे जिम्मे है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, यहां तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किन का थोड़ा है। कह दो कि जिस दिन का तुमसे वादा किया जाता है मैं नहीं जानता कि वो अनकरीब आने वाला है या मेरे परवरदिगार ने उसकी मुद्दत दराज कर दी है। वही गैब का जानने वाला है, सो किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता। हां, जिस पैगंबर को पसंद फरमाए और उसको गैब की बातें बता दे तो उसके आगे और पीछे निगहबान मुकर्रर कर देता है ताकि मालूम फरमाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं। और यूं तो उसने उनकी सब चीजों का हर तरफ से इहाता कर रखा है और एक एक चीज गिन रखी है। صدق الله العظيم।